हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अब रिलेशन बिटवीन दी के ए एंड के बी। तो के ए जो है वो हमें स्ट्रेंथ बताता है कि एसिड कितना हमारा स्ट्रांग होगा, के बी बताता है कि बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कितना स्ट्रांग होगा कितना वीक होगा। सो इन द केस ऑफ दी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जब आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लोगे तो ये किसी ना किसी मैनर में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो अगर एक आपको पता है तो आप दूसरे की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH4+ जो है अगर वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वाटर को प्रोटॉन देगा, वो H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड खुद NH4+ NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो के ए क्या आएगा इस रिएक्शन का, H3O+ NH3 ओवर NH4+, और ये इसकी के ए की वैल्यू आएगी। ऐसे ही अब रिवर्स रिएक्शन अगर लिखें हम, तो बेस जो है हमारा जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो केबी की वैल्यू क्या आएगी, NH4+ OH- ओवर NH3, तो इसकी ये केबी की वैल्यू हो जाएगी। अब जो इसकी फाइनल रिएक्शन आप जब लिखोगे, सो दिस विल कम टू बी 2H2O गिव्स H3O+ एंड OH-, तो यहाँ से KW क्या आ जाएगा इसका, H3O+ की कंसेंट्रेशन इनटू OH- की कंसेंट्रेशन, और वो हमें पता है कि 298 केल्विन, इट इज अराउंड 10⁻⁴ मोलर। तो Ka जो है वो NH4+ की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, दैट एक्ट्स एज एन एसिड है, और Kb जो है हमारा वो हमें स्ट्रेंथ बताता है NH3 की, दैट एक्ट्स एज अ बेस। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम द नेट रिएक्शन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is equal to the product of the equilibrium constant Ka and Kb. तो जब आप Ka और Kb को multiply करोगे, तो आप Ka की value लिखो, Kb की लिखो, और जब आप सारी यहाँ पे अब equations को जब cut करोगे, so final जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे Kw मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पे एक बार लिख के ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये आप इसको ये आपका यहाँ से इस तरीके से cut होगा, तो फाइनली आपका यहाँ पे H3O+ और OH- बचेगा, दिस इज इक्वल टू Kw, और Ka और Kb की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो Kw की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल आएगा। सो दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू मेक अ जनरलाइजेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है हमारा फॉर अ नेट रिएक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग द टू रिएक्शन इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल रिएक्शन। तो K नेट K जो होगा, आपको पता है कि जब ऐड होती है रिएक्शन तो वो क्या हो जाता है, K1 into K2 into K3, ऐसे जितनी रिएक्शन होंगी। तो ऐसे ही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या हो जाएगा कि पहले Ka फॉर द एसिड into Kb फॉर द बेस, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, Kw ऑफ द रिएक्शन। तो एक का पता चल जाए तो दूसरा आप निकाल सकते हो, क्योंकि Kw की वैल्यू तो आपको नोन होती है। सो इट शुड बी नोटेड दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस और वाइस वर्सा। अल्टरनेटिवली जो आपका एक्सप्रेशन है Kw इक्वल टू Ka इंटू Kb, इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं दूसरे मेथड से, बाय द बेस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। आपने बेस लिया वाटर के साथ, उसको रिएक्ट कराया, तो दिस विल गिव यू BH+, क्योंकि बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वाटर इज एक्टिंग एज एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, एंड दिस विल गिव यू OH-। अब इस रिएक्शन का जब Kb लिखोगे तो ये आपका Kb ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। एज द कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो उसको हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर से ऑमिट कर दिया है एंड उसको ऑलरेडी हमने डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट में इंक्लूड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को और डिवाइड करेंगे विद द H+, सो वी विल बी गेटिंग BH+ OH- H+ डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द B एंड H+। तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करो, OH- H+ को इस तरीके से अलग लिख लो, BH+ को इधर लिख लो, बाकी एज इट इज। OH- H+ क्या हो गया, Kw, और ये हमारा क्या हो जाएगा, Ka का, Ka की इक्वेशन हो जाएगी रिवर्स में, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे Ka से। तो यहाँ पे आपका Kw क्या हो जाएगा, Ka into Kb। तो ये आपकी रिवर्स रिएक्शन लिखी हुई है, इसलिए आपको इसको जब लिखोगे तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा विद Ka। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, इफ वी टेक द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बोथ द
sides of the equation, then pk values of the conjugate acid and base, these are related to each other by the equation. आप इसका negative logarithm लो, तो minus log of k हो जाएगा, plus minus log of kb equal to minus log of kw, that will be equal to the pka plus pkb equal to pkw, that will be equal to the 14, क्योंकि ये हमारा 10 raised to the power minus 14 होगा, तो 298 kelvin ये हमारी यहाँ पे equation आ जाएगी. अब इससे related question solve करते हैं. तो यहाँ पे आपका ये question है, इधर आपको बेस दिया हुआ है, ये इसकी kb की वैल्यू है. डिटरमाइन दी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पीएच ऑफ दी 0.05 मोलर ऑफ दी अमोनिया सॉल्यूशन. तो इसका कांस्टेंट जो है वो आप इस टेबल से ले सकते हो. आयनाइजेशन जब होगा NH3 का वाटर में तो कैसे लिखेंगे, NH3 प्लस वाटर, दिस विल गिव NH4 प्लस OH माइनस. तो अब क्या होगा यहाँ पे, इनिशियली ये हमारा इसकी कंसेंट्रेशन हम इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं, इट विल बी 0.05 और इनकी कुछ होगी नहीं, इक्विलिब्रियम पे 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, दिस इज 0.05 अल्फा एंड 0.05 अल्फा. तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी. अब हमारा यहाँ पे के बी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.05 × 0.05 × अल्फा² अपॉन 0.05 माइनस अल्फा, 0.05 से 0.05 कट और हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से. अब वैल्यू जो है अल्फा की वो बहुत ही कम है, तो इसलिए उसको हम 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे. तो यहाँ से के बी जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ पे आप क्या करो, के बी की वैल्यू ऊपर से ले लो टेबल से, और यहाँ से आपका जो अब अल्फा है वो क्या आ जाएगा, के बी अपॉन सी. के बी आपने ले लिया, कंसेंट्रेशन आपके पास कितनी आएगी, 0.05. तो यहाँ पे आपका अब जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से OH माइनस की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो, दैट इज सी अल्फा. तो यहाँ पे सी आपके पास है, अल्फा आपने निकाल लिया, एच प्लस क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन OH माइनस, तो यहाँ से एच प्लस भी आ जाएगा. अब पीएच क्या होगा हमारा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आपने निकाल लिया है, वहां पे आप जाके अब इसमें एच पीएच निकाल लो. अब क्या करो, रिलेशन यूज करो, के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, और यहाँ से आप क्या होगा, यूजिंग दी वैल्यू ऑफ के बी ऑफ एन एच थ्री फ्रॉम द टेबल, हम यहाँ से कंसेंट्रेशन जो है हमारी कॉन्जुगेट एसिड की उसको डिटरमाइन कर पाएंगे. तो के ए क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाई के बी, के डब्ल्यू आपको पता ही है, के बी टेबल से ले लो, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द के ए. तो इस तरीके से आपकी यहाँ से के ए की वैल्यू भी आ जाएगी. तो हमने यहाँ पे पीएच भी बता दिया और हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है उसको भी कैलकुलेट कर लिया. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और हमने यहाँ पे आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट जो है कॉन्जुगेट एसिड का भी निकाल लिया. थैंक यू.